कमेंट आ रहे हैं जितेंद्र सिंह जी, राम राम भाई, राम राम अभी यार वो दूसरे फोन से लाइव था उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। सरवण जी भाई जी राम राम, आपको भी राजपुरोहित जी राम राम जी, महेंद्र जी आचार्य राम राम, जुड़ जाओ यार थोड़े लोग और एक एक शेयर भी कर दो ताकि और लोग जुड़ जाएं तो बात करने में थोड़ा मजा आ जाए। कमेंट नहीं आ रहे हैं यार आपके, कमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप? मुकेश जी, मुकेश कुमार, राम राम भाई आपको भी। संपत राय राम राम जी, संपत राय जी राम राम। इतने में तो यार काफी लोग जुड़ जाने चाहिए थे, शेयर करोगे तो जुड़ जाएंगे यार। यूट्यूब ये फेसबुक है ना, नोटिफिकेशन धीरे डालता है और बात नहीं होती है ना तो फिर लोग बोर हो जाते हैं यार। आजकल क्या सोशल मीडिया के लोगों को लत पड़ गई, थोड़ा भी 5 सेकंड का भी अपन बोरिंग होते हैं ना वो वीडियो निकाल देते हैं। राज राजपुरोहित जी भाई जी में ITR और डिप्लोमा है मुझे, इंडिया का जॉब करना, 18 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी तो आप क्या चाहते हैं? सोनू कुमार जी हेलो जी, रामदेव जी राम राम, संतोष गुप्ता जी राम राम, प्रियांश जी राम राम जी, अनिल जी राज आपका नंबर हमारा हर वीडियो में, संतोष जी नंबर है अभी इसराइल में बहुत बढ़िया। हाँ इसराइल में तो यार अभी बढ़िया तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा माहौल वैसे इंडियन नजरों में खराब है, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पटेल जी, अक्रम जी, मुकेश चौधरी, जय श्री कृष्णा सर जी, अंकित कबीर सर, मेरे लिए विरोध का CV कवर लेटर बना दो। यार अभी बनाना मैंने तो देखो शुरू किया नहीं है, बनाएंगे अभी तो, बहुत सारे लोग बना रहे हैं वैसे तो। दीपक जी नमस्कार, राजेश कुमार जी, सोनू कुमार जी सर गल्फ कंट्रीज के लिए ITI किया, अच्छा जी। मनोज कुमार कश्यप, राम रतन सेन, मुकेश कुमार जी सीकर में आपका नंबर सेंड करो, नंबर हर वीडियो में यार। सर्वेश कुमार राम राम जी, दीपू जी फिनलैंड वर्क परमिट वीजा में कितना टाइम लग जाता है? यूरोप का 5-7 महीना तो नॉर्मल है, बाकी आप देख लो। मंजीराम जी बेरा राम राम जी, अमित जी हम, रामलाल जी सरण, अनूप तिवारी, इंद्रजीत जी, अंकित जी, सतीश खटीक, अमित जी, ललित जी राम राम, पटेल सुनील, लक्ष्मणबर्ग, अनिल जाट राम राम, संपत जी माहौल बहुत अच्छा है। आप संपत जी हैं क्या इसराइल में? राज पुरोहित जी सर मुझे यूरोप कंट्री में जॉब करना है, बिल्कुल जा सकते हैं भाई, इंडिया के साल के 25 लाख लोग बाहर जाते हैं, ये देख लो आप, तो आप भी जा सकते हो। डिप्लोमा किया है मैकेनिक एसी टेक्नीशियन में जॉब करनी है, कर सकते हैं। अमित जी सर प्लीज, संतरा फ्रॉम मुंबई, शांता है क्या? शिषपाला राम, बाली राम राम जी, बलिंदर हरियाणा, अनित जी सर गल्फ कंट्रीज में जॉब लगवा दो, गल्फ के तो यार दिल्ली से फ्री में करो ना अप्लाई, पैसा क्यों देना किसी को। मुकेश मेरिया राम राम, विनय जी राम राम, एक एक शेयर कर देना यार आप साथ 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 में ताकि और लोग जुड़ जाओ। सोनू जी यूरोप में अर्जेंट में यूरोपीय देश के लिए कोई वैकेंसी है क्या? इलेक्ट्रिशियन अर्जेंट में नहीं होती भैया, यूरोप की टाइम लगता है इनमें। अमित जी एक ऑफर लेटर चेक करवाना है, ऑफर लेटर चेक करने के लिए बैठे हैं भैया। बलिंदर हरियाणा, पोलैंड में कितना खर्चा आएगा? पोलैंड का 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा भैया। अंकित जी सर गल्फ कंट्रीज में लगवा दो, कैलाश जाखड़ राम राम, संतोष गुप्ता सर कुछ कमेंट किया था इसराइल के लिए, कुछ जुगाड़ है क्या मिशन में? इंटरव्यू सीरीज वो क्या बोलते हैं फर्स्ट पेज का इंटरव्यू तो चल रहा है भैया, कर लो ट्राई। बाबूलाल मेघवाल राम राम भाई जी, अंकित, अमित जी, मुकेश कुमार, कुमार महेश, टीचिंग जॉब इन यूरोपियन बहुत है भैया, टीचिंग जॉब में ट्राई कर लीजिए, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी। नरेंद्र सैनी नमस्ते जी, प्रियांश कुमार मुझे भी यूरोप में जाना है मिग वेल्डर से, अंकित जी गल्फ कंट्रीज में जॉब लगवा दो, गोविंद जी राम राम, विजेंद्र कुमार इसराइल में माहौल अच्छा है जी। हाँ इसराइल में तो ठीक है, इंडियन मीडिया को देखोगे तो भैया रोज बम पड़ते हैं वहाँ, है ना, इंडियन मीडिया के ऊपर भरोसा मत करना। जगदेव जी, मुकेश कुमार, होटल वीजा का वीडियो बना, होटल का एक डाला हुआ यार, वैकेंसी कहाँ आती है होटल की, इतनी नहीं आती है। वो एक होटल का भी मैंने इसलिए डाला, 2 लोगों ने ली थी किताब, उनको जाना था होटल में, वो सेफ थे तो बोला सर प्लीज, तो उन्होंने महीने पर मुझे बोला तो ये एक वीडियो हमने डाला, उसमें कुछ मैन पावर ऑफिसों की लिस्ट है तो आप वहां से अप्लाई कर लो। एमडी अफरोज, जय हिंद भैया। SP पांडे सर जी, ओपन ऑफर लेटर हमारा चेक करवाना इसराइल का,
यार इसराइल का बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, बहुत ज्यादा भाई साहब। कनाडा को और पोलैंड और इन्हें ना सिंगापुर, इनको भी फेल कर दिया। इतने कनाडा इसराइल का फर्जीवाड़ा स्टार्ट हो गया। विजेंद्र जी, जगदीप जी, जसदेव सिंह जी, नमस्कार। महेश कुमार, होटल का वीजा, ये कमेंट यार बड़े भी वापस क्यों आ रहे हैं? नीचे जाना पड़ेगा मुझे। संजू जी, सिंगापुर का वैकेंसी बंद नहीं हुआ है सोनू जी, वैकेंसी चलते रहते हैं। करण जांगिड़, कारपेंटर जॉब इटली के लिए 15 लाख मांग रहा हो भाई साहब। इटली में तनख्वाह रहेगी 60 हजार, क्या करोगे 15 लाख दे के आप? बलिंदर हरियाणा, कुमार मेष टीचिंग जॉब, अंकित जी गल्फ में जॉब अप्लाई कर दो। अनूप जी, फर्नीचर कारपेंटर बलिंदर। गल्फ में जाना तो यूं है जैसे आप अपने खेत में जाते हैं, मैं इतना ही मानता हूँ। गल्फ में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 20-30-50 हजार में, ज्यादा नहीं, 10-20-30-50 बस, या फ्री में। तोला राम जाखड़, राम राम जी। सुमित्रो जी हेलो, विक्की जी नमस्ते, प्रीतम जी कुशवाहा, नरेंद्र सैनी, आप बोल रहे थे ना विरोप का काम करने वाले हैं, विरोप का काम करने वाले हैं, तो भैया इतना जल्दी तो हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि करें। मीट जी, मीट जांगिड़, राम राम जी। ठाकुर नरेंद्र पठानिया, सर लग्जमबर्ग का वीजा कहाँ से लगवाएं? लग्जमबर्ग का वीजा यार कहाँ से लगवाएं, कहाँ मिलेगा? मुश्किल है। राजेंद्र चाट, राम राम जी। एमडी फिरोज, महात्मा जी टेक्निकल जॉब है क्या? अच्छा लिख दिया, मेथ मेडिकल जॉब, ये कौन सा जॉब होता है यार? सुरेंद्र जी राठौड़, राम राम। रामकरण दायल, राम राम। रामदेव जी, राम राम। ग्रीस का वीजा आने में कितना टाइम? यूरोप का 5-7 महीने नॉर्मल है भैया, एजेंट बोलने को कुछ भी बोलते हैं, वो छोड़ दो उनको। अधिकारी सिंह जी, राजस्थान से हूँ, कोई फोटो? कोई फोटो, बढ़िया। गोविंद जी, डिडवाना पोलैंड में कारपेंटर की है क्या? ताराचंद जी, क्या हाल चाल है? आप हमारी लाइव में आई गए लास्ट में। करण जी, राम राम जी। बलविंदर जी, अशोक सर मुझे लिथुआनिया जाना, इलेक्ट्रिशियन है। लिथुआनिया की बहुत वीडियो डालने भाई साहब, दिल्ली से अप्लाई करो। एजेंट की नंबर, सीरियल नंबर बताता हूँ ना, वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको। सर मुझे लिथुआनिया जाना है। तौफिक शेख, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है भैया आपका भी। बलिंदर जी, कहाँ मिलोगे भाई जी? हम यहीं मिलेंगे भाई जी आपको। गोविंद जी डिडवाना, ये कमेंट वापस आ रहे हैं क्या? यूट्यूब बावड़ा हो रहा है पता नहीं यार, कमेंट पढ़ लिए वही नीचे आ रहे हैं वापस। सोनू कुमार, पोलैंड के लिए भैया क्या कितना ही बताएं यार आपको? 4-1 लाख मैं तो बताता हूँ, बाकी एजेंट तो भैया 8 लाख 10 लाख बताते हैं, आप कहाँ कहाँ पकड़ोगे आप बताओ। महेश कुमार जी, राम राम। अमर सिंह जी, राम राम जी। बिना आइसलैंड को भी चाहिए वीजा, आइसलैंड का भी चाहिए आपको। राजेश जी अलावत, राम राम। ताराचंद जी, कब तक जा रहे हो? मैं यार 5-6 तारीख तक का है मेरा प्लान। ताराचंद जी, वो कोई एक डिग्री मुझे पोस्टाइल करवानी थी, तो डिग्री मुझे मिली नहीं, कभी जरूरत पड़ी नहीं, देखी नहीं, अभी वो निकलेगी 1-2 दिन में, फिर उसको पोस्टाइल कराएंगे एम्बेसी से कोई वीजा की जुगाड़ के लिए। आजकल वीजा इतना आसान मिलते कहाँ है भैया। नरेंद्र सैनी, सर माल्टा का कितना खर्चा आता है? माल्टा का 3-4-1 लाख रुपए आता है भैया। महेश कुमार जी, मैंने कॉल किया था आपको। हाँ कॉल तो आते हैं यार, दिन में 200-250 कॉल आ जाते हैं। कॉल मेरे पास नहीं होता भैया, आपसे सोचता हूँ कि मैं फोन मैं लेके बैठा हूँ इतने, यार फिर काम कौन करेगा भैया, बहुत सारे काम होते हैं। मैं दोपहर को निकला था, अभी 7:30 बजे पहुंचा घर पे, आज तो जिनसे कॉलिंग टाइम होता है वो इस बात ही नहीं कर पाया। ओम प्रकाश जी, राम राम जी। दांता रामगढ़ से, कनाडा का वीजा, कनाडा का वीजा भाई साहब। एमडी फिरोज खान, क्या बताएं आपको? लोग यार बहुत हैं यूट्यूब पे, कितने वीडियो बनाते हैं, 15 लाख 18 लाख देख के चले जाओ उनसे, कहाँ दिक्कत है। मुक्ति पंडित सर, नेपाल से हूँ, लिथुआनिया का कौन सा मैन पावर है? बहुत वीडियो बनाए भाई साहब लिथुआनिया का, बनाने बहुत तो क्या 4-5 बनाए तो है उनमें, आप कर लो कॉन्टेक्ट। ठाकुर नरेंद्र पठानिया, सर बुक कितने की है? डिलीवरी चार्ज से 1100 रुपये किया भैया। बजरंग चौधरी, राम राम। सैयद मोहम्मद फैजल, हेलो सर गुड इवनिंग। अमर जी फेंगा, आइसलैंड का, आयरलैंड का वीजा, आयरलैंड का यार अर्जेंट मैन पावर तो शायद कोई एक आधा मिलेगा आपको, बाकी तो नहीं मिलेगा। सर जी आपसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे काम है सीकर में, आपसे मिल सकूं भैया? जयपुर मंडे को तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा जयपुर, मेरी एक डिग्री लेने के लिए। मंगलवार को आप अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मिल सकते हैं, अगर वो डिग्री का झंझट नहीं होता तो इतने में मैं बाहर विदेश से लाइव आता आपके साथ।
जो जिनसे मेरी बात हुई पर्सनल, कुछ लोग उनको तो पता है, बताया भी था लेकिन नहीं निकल पाए। विपिन कुमार गुप्ता, महावीर गुजर सीकर, राम राम जी, इसराइल में हूँ। आप इसराइल में हैं क्या अभी? सर्वेंट इसराइल का काम स्टार्ट है भैया, लोग चुप चुप के जा रहे हैं इसराइल, इंटरव्यू भी चल रहा है, फ्लाइटें भी हो रही हैं। सर्वेंट आरामान में, अच्छा राम राम जी। फिनलैंड के लिए मेडिकल तो देखो यूरोप देशों का हो या कोई भी हो, वर्क परमिट लगवाओगे तो होता ही है ना, लेकिन वो नहीं कि इतने पैसे दे दो ये दे दो। आजकल भाई साहब इसराइल का इतना फर्जी बड़ा चल रहा है, फिक्स कर रखा लोगों ने मेडिकल करवाते हैं। अभी मेरी 18 तारीख को मेरी शादी थी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई पर्सनली, उनको पता है, तो मैं वहाँ शादी में खाना खा रहा था, दो तीन बंदे आ गए पास, अरे सर जी आप तो यहाँ? मैं बोला हाँ यार हम यहाँ शादी में, उस गांव के ही थे। तो उन्होंने दो दिन बाद में मुझे ऑफर लेटर डाले तीन बंदों के, कंडीशन जयपुर में मेडिकल करवा लो। इसराइल का क्लीनर का जॉब है, जो मैंने आपको फेसबुक पेज पे भी वो डाला था क्लीनर का ऑफर लेटर, आपने कुछ ने कमेंट किए है ना, लाइक किए तो पता होगा, चैनल को फॉलो करोगे तो पता रहेगा भैया, वरना तो नोटिफिकेशन नहीं आता। तो वो भाई साहब सिर्फ मेडिकल कराओ, 1.5 लाख रुपए तन का क्लीनर, साफ सफाई करने का काम, बताओ। मैं बोला भैया एजेंट को ये बोल दो कि 6,000 हमारा खर्चा है, 500 आने जाने का खर्चा पकड़ लो, 5.5 वो, अगर वीजा नहीं आया तो ये 6,000 रुपए तुम देने की जिम्मेदारी रहेगी, गांव का एजेंट है आप बताओ। तो वो फेक है, इसराइल का क्लीनर का जॉब कहाँ है भाई साहब, आप बताना अगर है तो, नहीं है ना। लेकिन मेरे पास एक दो एजेंट ऑफर लेटर इसराइल के वीजा आ रहे हैं भैया, क्या करें। इसराइल का सबसे बड़ा झोल है मेडिकल का, सबको माइंड में फिक्स है, 5,500 रुपए लगते हैं, लोग यहाँ तो नहीं करवाते स्टेट लेवल पे, जैसे राजस्थान में सिर्फ जयपुर में मेडिकल करवा रहे हैं। बाकी जयपुर में कौन सा मेडिकल अथोराइज कर दिया भैया इसराइल एम्बेसी ने, हमने तो ऐसा नहीं सुना। सरवण कुमार जी, मेरे भाई का सऊदी में डेथ हो गया, टाइम कितना हो गया? राजीव जी, जय राम जी की शेयर कर दो यार, देख 60-70 लोग जुड़े हैं अभी, कैसे बात हो पाएगी? आपका तो एक कमेंट, आपने अपना कमेंट का रिप्लाई मिल गया या मेरे से आपने लाभ राम कर ली, आप छोड़ के चले जाओगे, नए लोग भी तो जुड़ने चाहिए ना, इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक शेयर करने की, ताकि नए लोगों से भी हम बात कर लें, वरना तो आधे घंटे में हमारा शो खत्म हो जाएगा। बलविंदर जी, अशोक जी, आप प्रोसेस करवाओ लिथुआनिया का। अरे भैया लिथुआनिया का प्रोसेस, मैन पावर में करो कॉन्टेक्ट आप डायरेक्ट, मैन पावर में जाओ, वहां से वीजा मिलेगा तुरंत आपको। जगदीव जी कटेवा, सर मैं यूरोप में जाना चाहता हूँ, मेरा वीजा लगवा सकते हैं क्या? मैं पहुंच जाऊं फिर भैया, कोशिश करेंगे आपका वीजा लगवाने की। ओम प्रकाश रोलन, कनाडा का कोई वीजा? एमटी फिरोज, कनाडा के चक्कर में मत पड़ो, आप छोड़ दो। विजेंद्र खींची, सर मेरे को इसराइल जाना, आप भेज दो इसराइल के लिए, भैया बहुत सारे ऑफिस हैं, वहां से ट्राई कर लो यार आप। बलिंदर जी हरियाणा, पीसीसी की जरूरत पड़ती है क्या? कहाँ के लिए? हाँ यूरोप में पीसीसी की जरूरत पड़ती है। रवि मालवा, राम राम जी। सिराज बेग, सर आप कब स्टार्ट करेंगे यूरोप का? वैसा मुझे आप स्पॉन्सर कर दो, मुझे कौन भेज रहा है आप में से इराक यूरोप, 2 लाख रुपए का खर्चा देके कौन भेज रहा है? राम निवास मूड, राम राम जी। सऊदी अरबिया रियाद से है क्या? अच्छा जी। चांद पठान, गुड इवनिंग सर। आज अब मुझे एक बात बतानी है आपको, 5 फरवरी 2018 से चैनल स्टार्ट किया है ना, और आज कितना टाइम हो गया भैया, आपको कैलकुलेशन कर लो, 7 साल हो गए, मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया आज तक, ये कितनी बड़ी बात है। बाकी जो जिनके पास मैन पावर होती है स्पॉन्सर कर देते हैं, चाहे कंपनी करो चाहे कोई भी करो, हमें कोई नहीं करता भैया, हमसे क्या दुश्मनी है आपकी। स्पॉन्सर का मतलब होता है पैसा, पैसों के बदले काम करवाना, इसको ये बोला जाता है। मुझे कोई कंपनी ने मेल करती तो है, लेकिन यार मैं फर्जीवाड़े के चक्कर में बसता हूँ, कभी कभी कंपनी ने कभी डील नहीं की हमारी ये चीज का ऐड कर दो, अब क्यों नहीं वो कॉन्टेक्ट करते, क्या कारण है? वो हो सकता है मेरे वीडियोस, कोई भी स्पॉन्सर करता है उससे पहले वो उसके 20-30-50 वीडियो देखता है कि बंदा कैसा है, उनको लगता है अपने पक्ष में बात हो सकती है तो स्पॉन्सर। आपने कॉमेडी वीडियो देखते हैं उनके बीच में ऐड आते हैं ना, वो ये ऐड कर लो और वो कर लो ये डाउनलोड कर लो, हमें कोई नहीं करता। और जो ट्रेवलर होते हैं उनको भी, जैसे होटल वाले फ्लाइट वाले है ना, जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है जैसे मालदीव है, तो मालदीव में बहुत सारे घूमने जाते हैं, तो उनको स्पॉन्सर मिलता है होटल की तरफ से कि आप आओ आपका रहना खाना करिए, आप हमारे होटल का हमारी इसका आप अपने वीडियो में प्रचार करो, तो वो लोग करते हैं बदले में उनको वो हो जाता है, हमें कोई नहीं करता भैया। कारण क्या हो सकता है, कमेंट आप करके बताना, मेरा मेरी लैंग्वेज हार्ड है, मैं हार्ड बोलता हूँ शायद, मैं मेरा जो बोलने का तरीका है ना वो लोगों को अच्छा नहीं लगता शायद तक। अमेरिका,
अमेरिका का वीजा भाई साहब, लोगों के सपने होते हैं वो अधूरे रहते हैं, मर जाते हैं लोग। वीजा तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि मिलता ही नहीं है। इंडिया के कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग अमेरिका में डॉक्यूमेंटली नहीं है, इतने डॉक्यूमेंटली तो शायद 3 या 4 मिलियन लोग ही हैं, 30-40 लाख लोग जो इनलीगल तरीके से पहुंचे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। एमडी फिरोज आप तो बड़े सपने ले रहे हो कनाडा अमेरिका, यार कोई छोटी मोटी कंट्री का देख लेते, कोई क्रोएशिया माल्टा, ये कोई रोमानिया है ना, बुल्गारिया लिथुआनिया, कोई छोटी मोटी कंट्री देख लो यार, सर्बिया तुर्की, सीधा सीधा कनाडा या फिर अमेरिका। राम सिंह जी ऑस्ट्रेलिया में घोड़ी रेस जो आता नहीं है यार, हमने कभी सुना नहीं। डी आर योगी मेरे पास का केस है, कुछ हो सकता है क्या, पैसे अटके हुए हैं? हाँ पैसे अटके हुए हैं तो भैया निकलवा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, मामला पूरा समझना पड़ेगा। हनुमान प्रसाद प्रजापति सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं हनुमान जी। उपेंद्र जी सर जी इटली का वीजा मिलेगा क्या आपके पास? हमारे पास इटली का वीजा नहीं है, बाकी भैया काम करते हैं ना उनके पास, अभी एक ऑफिस है दिल्ली का, मैंने फेसबुक पे कमेंट भी डाला था, इमेज डाली थी ना, काम आया हुआ इटली का, इसराइल का और एक कौन सी कंट्री थी यार, ग्रीस का। महेश कुमार जी मेरे चाचा जी की डेथ हो गई है दोहा कतर में, दोहा कतर में हो गई तो भाई साहब कोई एडवोकेट से बात करो, दोहा कतर में मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको वहां के एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी, उनसे बात करके और उनका एक अग्रीमेंट वगैरह एक लॉन्ग प्रोसेस होगा वो करिए, आपका अग्रीमेंट होगा वो उनका कमीशन है, वो बातचीत हो जाएगी और आपका जो भी है। अगर डेथ एक्सीडेंटल है तो नॉर्मल डेथ में कुछ नहीं होगा, जैसे हार्ट अटैक आ गया है ना, बीमार हो गया तो उनका कुछ नहीं होगा। ताराचंद मेला राम राम। अनूप जी डी आर योगी कैसे कॉन्टेक्ट करना? अनूप नानूराम मेघवाल सर मैं लग्जमबर्ग जाना चाहता हूँ, वीजा मिलेगा? हाँ मिल जाएगा भैया, ट्राई कर सकते हैं। साहिर गुजर राम राम जी। बिलिंदर हरियाणा मुझे फॉरेन जाने के लिए आपके पास कौन से वीजा मिल सकते हैं? आप फॉरेन जाने के लिए हमारे पास कोई वीजा नहीं मिलेंगे, हमारी आपको हेल्प मिल सकती है, एडवाइस मिल सकती है, उसके थ्रू वीजा मिल जाएगा। मुकेश जी एक्सीडेंट हुआ था साइड के ऊपर, एक्सीडेंट गाड़ी मोटर से हुआ ना, तो वहाँ के कोई लॉयर को पकड़ो और उसके थ्रू काम करवा लो। जब डेथ क्लेम पास होगा, जैसे मान लो 1 लाख ग्राम हो गई, तो 30%, 35%, 40% तक एडवोकेट की फीस होती है। जैसे 1 लाख ग्राम में 30-40 हजार ग्राम एडवोकेट की फीस रहेगी, जो कोर्ट डायरेक्ट उनको देगा, बाकी पैसा आपके जो भी ओनर हैं, जैसे उनकी वाइफ है, आपके चाचा की चाची हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, और इसमें साल भर का टाइम लग जाता है। तो आपको ये वहाँ कतर में कोई है जानकार तो बात करिए आप। ताराचंद जी कतर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डेथ के बाद जल्दी काम हो जाता है, सुनने में यही है कि साल भर लग जाता है, अपने जैसे दुबई में और सऊदी में और कुवैत में। अगर यहाँ पे कोई डेथ क्लेम होता है तो हेल्प कर देते हैं, है कोई बंदा उसके थ्रू, है ना। और कतर में अभी है नहीं, तो कतर में हो सकता है लेबर कम होती है ना, वहाँ जहाँ वर्कलोड कम होता है ना वहाँ काम जल्दी होते हैं, इंडिया में तो भैया बहुत उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और दुबई में लेबर आपको पता ज़्यादा है तो टाइम लगता है, सऊदी में 2 साल लग जाते हैं, ये देख लो सऊदी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कुवैत में थोड़ा कम लगता है। विजेंद्र जी मैन पावर ऑफिस अच्छी है क्या भैया? आपके जिन चाचा जी के जो एक्सपायर है ना मेट्रो, वो ताराचंद नाम से जो कमेंट आ रहा है ना, ये कतर में रहते हैं, तो आप इनसे डिस्कस कर लो। महेश कुमार जी मैं सर जी अभी कतर में हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ कतर से? गणेश जी यूरोप में कैसे जाए बताएं? यूरोप के भैया गुणगान ना तो रोज ही गाते हैं, कैसे जाए? वीजा लो, टिकट लो, पहुंच जाओ यूरोप, सिंपल तरीका है। एमडी फिरोज अमेरिका यात्रा कनाडा का वीजा है तो बताओ रे भाई साहब। आज करण जाट दोहा कतर से राम राम जी। बलविंदर सर जी आप ही करवा दो लिथुआनिया का काम, हमारे पास तो यार अभी कैसे करवाएं हम, हमारे पास क्या अथॉरिटी है, हमारे पास कोई वीजा पड़े भैया, कहाँ से करवाएं आपका? आपने देखो शेयर नहीं किए इसलिए 48-40 लोग ही बचे हैं अभी हमारे साथ, 70-72 हजार लोग जुड़े हुए हैं यार अपने ग्रुप में, ये नोटिफिकेशन जाता क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने शेयर नहीं किया इसलिए लोग नहीं जुड़े क्या? बलविंदर जी अब बताओ कमेंट आने बंद हो गए, आपके तो इतने ही कमेंट थे बंद हो गए, अब किससे बात करें भाई साहब?
श्रवण कुमार जी, मेरे भाई की सऊदी में डेथ हुई है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। एक्सीडेंट हुआ है श्रवण कुमार से? एक्सीडेंट हुआ है, कमेंट करना। कंपनियां देती नहीं है वैसा भी है, बीमा वाला बड़ा गंदा काम है, कंपनियां पैसा खा जाती हैं, क्लेम पूरा उठता है, ये नहीं कि उठता नहीं है। अब आप सोचोगे कंपनियां कैसे खा जाती है, तो भाई गल्फ में ग्रुप बीमा होता है, अलग अलग नहीं होता सबका। जैसे 100 लोगों का पकड़ के कंपनी ने एक साथ करवा दिया, तो उसकी ओनरशिप कंपनी के पास होती है, और जो जो कंपनियां होती हैं जो इंश्योरेंस करती हैं, उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो उनके साथ टाइप होता है, उनको वो बड़ा कस्टमर बेस मिलता है कंपनियों के थ्रू, तो वो खाक हो जाते हैं भाई साहब। ये ताजा मामला दुबई का था, यहाँ जयपुर का कोई बंदा, फिर उसके मात्र 6-5 लाख रुपए पकड़ाए, जबकि उसका क्लेम बन रहा था 23.5 लाख रुपए। फिर वो बंदा और उसकी माँ दोनों पहुंच गए दुबई, तब जाके वहां मामला खुलासा हुआ, कंपनी बोलती है हमने क्लेम दे दिया, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम है। कतर अजरबैजान का एम्प्लॉय वीजा आता है, अजरबैजान का भैया 99.9% काम चल रहा है, विजिट वीजा पकड़ाते हैं, अजरबैजान का पासपोर्ट में वीजा लगता है, वर्क परमिट पासपोर्ट में लगेगा, अगर नहीं लग रहा है तो आप जाना मत, फंस जाओगे, वापस आने के पैसे ज्यादा लगेंगे आपके, है ना। अजरबैजान में 40-50 हजार रुपए तनख्वाह दिखा देते हैं ना, और 60-70 हजार रुपए में भेजने की बात करते हैं। अजरबैजान की बहुत इंक्वायरी आती है मेरे पास, सबके साथ ठगी होती है भाई साहब, बताओ आप। आधा घंटा हुआ अपने को लाइव आए हुए, और 100 के करीब में आंकड़ा पहुंचा नहीं लोगों का यार लाइव में। हो गए भैया आपके सब लोगों के कमेंट, क्या हो गया आपको? आजकल लोगों का एक तो यार पता लग गया कि लोगों की सोच ये है कि यूरोप ही जाएं, गल्फ में तो लोग जाना नहीं चाहते। मैंने आपने देखा होगा वीडियो नहीं बनाता मैं, गल्फ का बंद कर दिया। शुरू में बहुत वीडियो बनाए गल्फ के, लोग देखना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और सिस्टम में भी ये बताता है भाई बस रहने दो, आपका दुबई कतर का बंद करो, लोग यूरोप जाना चाहते हैं वहीं की बताओ लोगों को। सियाराम जाट, माल्टा का कितने दिन का प्रोसेस होता है, कितना पैसा चेक ऑफर लेटर चेक करने की वेबसाइट, वेबसाइट तो कहाँ से बताएं भाई साहब, ऑफर लेटर की कोई वेबसाइट नहीं होती है। वीजा आता है परमिट लगने के बाद चेक कर पाओगे आप, कर लीजिए वेबसाइट आप, बहुत आसान है। श्री राम जी कुमावत, ओहो दुबई से श्री राम जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनी के ओनर साहब हैं श्री राम जी कुमावत, हमारे सीकर के हैं। 2020 में हम श्री राम जी से मिले थे दुबई में, उन्होंने हमें पेप्सी पिलाई थी अपनी गाड़ी में बिठा के। श्री राम जी जल्दी मिलते हैं दुबई में आपसे। अमित जी कड़वा सरा, इसराइल का इंटरव्यू चालू है क्या? हाँ चालू है भाई साहब। सुमित्रो जी क्या नाम है, चक्कर बढ़ता है क्या, यूरोप का वीजा मिलेगा? मिल जाता है भैया। साहिर गुजर, इसराइल जाने का खर्चा, इसराइल का भैया 3.5-1 लाख रुपए दिल्ली में रेट चल रहा है, अब आप वहाँ अलग अलग एजेंट के हिसाब से देख लो। पवन कुमार नांगली, राम राम भाई, राम राम। अमित जी कर इसराइल का इंटरव्यू चालू, हाँ चालू है। विजय कुमार जी हेलो, राजू जांगिड़ सर मेरे को इसराइल का इतना खर्चा, इसराइल का कितना खर्चा? इसराइल का पहले 4 लाख था दिल्ली में, अभी 3.5 लाख लोग बता रहे हैं, बता कह रहे हैं इतना लग रहा है, बाकी आप जैसे बीच में कोई एजेंट होगा तो रेट बढ़ जाएगी, आपकी ज्यादा पैसा हो जाएगा। काजल कुमारी, कंस्ट्रक्शन लाइन में दुबई जाने के लिए कम खर्चे में कोई जुगाड़ है? कम नहीं भैया, फ्री जाओ आप दिल्ली ऑफिस से अप्लाई करोगे ना तो आपका काम फ्री में हो जाएगा, पैसा देने की जरूरत नहीं है, 5,000 अलग बात होती है, बाकी नहीं लगेगा। चौधरी जी मुकेश, राम राम भाई, राम राम। लाइव में आप कहीं वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वो कैसे होती है बात?
कोई बंदा है, मुझे लाइव में वीडियो कॉल पे बात होती है ना, कैसी होती है यार, मैंने कभी की नहीं है। वीडियो ज्वाइन करना होता है शायद, ऐसा कुछ है। आज तो मैं फिनिश नहीं करूंगा, चलने तो आप, लास्ट में एक बंदा बचेगा ना तब मैं फिनिश करूंगा इसको, लाइव खत्म करेंगे। बीच में क्या हो गया इसके?